टॉर्शन महमूद हेयर। सो इस वीडियो के अंदर हम बच्चों की एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम रिकेट्स कहते हैं, कि ये क्या है और बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करती है और हमने इससे बच्चे से बचाना कैसे है। तो रिकेट्स बेसिकली बच्चों की हड्डियों का नरम होना, भुरभुरा होना है। अब अगर हड्डियों के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जो हड्डियों को बनाता है। अब हड्डियों को जब भी डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर बुनियादी चीज़ें, एक तो कैल्शियम है और फास्फोरस है जो आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए। उससे भी एक अहम चीज़ है विटामिन डी, जो विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी क्या करता है, तो विटामिन डी जब होता है बच्चे की आंत के अंदर से जो कैल्शियम जो हम ग़िज़ा से खाते हैं उसको जज़ब कराता है, और फिर ये कैल्शियम को पकड़ के वहाँ बोन में ले आता है, फास्फोरस को पकड़ के बोन में ले आता है और बोन का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो विटामिन डी बोन की स्ट्रक्चर और बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोन की ग्रोथ के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, फास्फोरस ज़रूरी है और विटामिन डी ज़रूरी है। अब बच्चे के अंदर जो विटामिन डी है उसका सोर्स क्या है, उसके तीन इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक तो उसका माँ है, कि बच्चे की अगर माँ हेल्दी है, उसके अंदर अपने स्टोर अच्छे हैं, तो बच्चे की माँ बच्चे को एक अच्छा स्टोर पेट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगी। सेकेंड उसकी जो उसका सोर्स है वो डाइट है, उसके अंदर खुराक है, जिसके अंदर जैसे हमारी जो मछली है, इस तरह ऑर्गन मीट जिसके तिली वगैरह है, तो ये एक अच्छा सोर्स है। तीसरा उसका सोर्स है लाइट, जो सनलाइट जो है वो भी हमारी जिल्द के अंदर से विटामिन डी बनाती है। अब हमारे यहाँ आजकल सोसाइटी के अंदर तीनों चीज़ें बच्चों के अंदर डेफिशिएंट हैं। माएँ कमज़ोर हैं तो माँ से बच्चे को विटामिन डी नहीं मिलना, डाइट में भी इशूज़ हैं तो विटामिन डी डाइट से भी नहीं मिलना, ओवर क्राउडिंग है, हाउसिंग इशूज़ हैं, लोग बच्चे छोटे छोटे फ्लैट्स में घरों में रहते हैं तो सनलाइट एक्सपोजर भी नहीं होता, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अगर स्टडीज़ जो की गई हैं पाकिस्तान के अंदर तो उसमें तकरीबन 50% या उससे भी ज़्यादा बच्चों के अंदर विटामिन डी का लेवल जो है वो कम आया। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, जब विटामिन डी कम होगा तो प्रॉपर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम हड्डियों में नहीं जाएगा, हड्डियाँ प्रॉपर बनेंगे नहीं, हड्डियाँ नरम और भुरभुरी होंगी। इससे बच्चे पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कि बच्चे का कद हड्डियों ने बनाना होता है, जब हड्डियाँ प्रॉपर नहीं बनेंगी तो बच्चे का कद नहीं बनेगा, बच्चे के जो सर के सॉफ्ट पार्ट जिसको तालू कहते हैं वो खुले रह जाएंगे, बच्चे का माथा आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं, बच्चे की कलाइयाँ मोटी हो सकती हैं, इस तरह बच्चे की जो छाती है इसके ऊपर आपको जहाँ पे छाती की बोन है उसके साथ साथ आपको गोल गोल तस्बीह के दानों की तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ भी नज़र आ सकती हैं। और ऐसे बच्चों के अंदर नमूनिया बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हड्डियाँ जब कमज़ोर होंगी तो प्रॉपरली आप बच्चा सांस सही तरीके से नहीं ले पाता, तो सक्रीशन जो छाती की होती हैं अंदर रुक जाती हैं, प्रॉपर निकल नहीं पाती, तो ऐसे बच्चों को बार बार नमूनिया होते हैं, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। तो ये सारे मसाइल रिकेट्स के बच्चों के अंदर होती हैं, और इसकी इलामत भी मैंने आपको बता दी हैं। अब इसका हल क्या है, तो हल अगेन वही तीन चीज़ें हैं, कि बच्चे की माँ के अंदर जो है विटामिन डी लेवल अच्छा होना चाहिए, उसके लिए बच्चे की माँ की डाइट बहुत ज़रूरी है, बच्चे की माँ की जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर प्रॉपर 2 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है तो जाहिर बात है वो माँ के एक्सपेंस से पैदा हो रहा होता है, माँ से कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी लेके पैदा हो रहा है। जब हर साल माँ अगर बच्चा पैदा करेगी तो जाहिर बात है उसके अपने स्टोर ख़त्म हो जाएंगे, जितना भी आप उसको खिला लें बच्चा कमज़ोर ही आएगा। बच्चे का लाइट एक्सपोजर होना चाहिए, पार्क्स वगैरह में ये आपको एक्सपोज करना पड़ेगा बच्चों को, खासकर सुबह और शाम के टाइम की लाइट जो होती है। तीसरा, बच्चे की डाइट को अच्छा होना चाहिए, डाइट के अंदर जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट के अंदर जैसे ऑर्गन मीट है या फिश दे सकते हैं, तो ये चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को जब हम फर्स्ट मंथ होता है, उस फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है, उसके अंदर हम हर बच्चे को कहते हैं कि विटामिन डी का ड्रॉप दे, जो डिफरेंट फॉर्मुलेशन के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि हाई ओडी 3 है या और भी बहुत सी कंपनीज़ की हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, और एक ड्रॉप अपने डेली देना है, और 1 साल तक के बच्चे को ये ज़रूर दिया जाता है। उसके बाद अगर देना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से मशवरा कर लें। तो अगर किसी बच्चे को रिकेट्स अगर एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर उस केस में हमने विटामिन डी की मेगा डोज देनी पड़ती है, उसमें उसके इंजेक्शन आते हैं जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक इंजेक्शन होता है, और हमें 2 से 3 इंजेक्शन बच्चे को पिलाने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको ड्रॉप की शक्ल में उसको देते रहते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कि प्रेगनेंसी में गैप होना चाहिए, माँ की न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए, और बच्चे की डाइट अच्छी होनी चाहिए, पहले साल में बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को करेंगे आप तो बच्चे का विटामिन डी लेवल मेंटेन रहेगा, उसके अंदर रिकेट्स और ये सारे जो मसाइल मैंने बताए हैं इनके चांसेस कम होंगे। थैंक यू।